चलिए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या पढ़ाई में मन नहीं लगता? शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को इमली के 22 पत्ते ले आएं और उनमें से 11 पत्ते सूर्यदेव को ओम सूर्याय नमः कहते हुए अर्पित करें। बचे हुए 11 पत्तों को अपनी किताब में रख लें, पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल आपके फ्यूचर की बात। कैसे सवारे अपने कल को एक छोटा सा उपाय करकर, तो कीजिए जरा अपनी राशि के हिसाब से। मेष राशि के लोग, कल के दिन आप अपने पार्टनर को गिफ्ट जरूर दें। लाइफ पार्टनर भी हो सकता है और बिजनेस पार्टनर भी। लक सपोर्ट कर रहा है कल 56%। वृश्चिक राशि के लोग, कल गरीबों को कुछ पैसे दान करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 60%। मिथुन राशि के लोग, आप लोग कल सुबह देर तक बिल्कुल ना सोएं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 65%। कर्क राशि के लोग, ऑफिस के काम में मन लगाइए। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 75%। सिंह राशि के लोग, दिन में खूब पानी पीजिए, एग्जॉस्ट होंगे आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 80%। कन्या राशि के लोग, किसी से कभी भी बुरा ना बोले, कल तो बिल्कुल नहीं। लक सपोर्ट कर रहा है आपको कल 68%। तुला राशि के लोग, अलमारी को बिल्कुल साफ सुथरा रखें। किस्मत साथ दे रही है आपका कल 79%। वृश्चिक राशि के लोग, कल फ्रूट ज़रूर खाएं और गरीबों में भी बांटें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। धनु राशि के लोग, गणपति जी को याद करें, सब काम बनेंगे। लक साथ दे रहा है आपका 50%। मकर राशि के लोग, सुबह टहलने जाएं और चींटियों को खाना खिलाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 61%। कुंभ राशि के लोग, सूर्यदेव को प्रणाम करें और पॉसिबल हो तो अर्घ दें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मीन राशि के लोग, मीठा कम खाना है कल। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल के दिन 63%। फेसबुक पर कनबोध साहब ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। वो ये जानना चाहते हैं कि हाइट को बढ़ाने के उपाय क्या हैं। देखिए, इसके लिए डॉक्टर्स आपकी बेस्ट मदद करेंगे और साथ साथ जो लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं वो और अच्छा है। हैंड स्ट्रेचिंग और साथ साथ होम्योपैथी इसमें बहुत कारगर है। होम्योपैथों में, जी हाँ, कुछ ऐसी मेडिसिंस हैं जो आपकी हाइट को इम्प्रूव करती हैं। आपकी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेच कर होम्योपैथी से आपको आराम मिल सकता है विदाउट एनी साइड इफेक्ट। प्लीज़ कंसल्ट अ डॉक्टर। आइए बात करते हैं आज के पांचवें महा उपाय की। क्या कोई आपके बच्चे को नज़र लगा रहा है या आपके बच्चे को नज़र जल्दी लग जाती है? तो किसी सिद्ध जगह से भस्म लेकर, भस्म मतलब आपको जैसे जैसे कई मंदिरों में विभूति मिलती है या हवन की राख होती है, इस तरह से लेकर आप किसी भी डिब्बी में भरकर या किसी भी पैकेट में, टेप में भरकर, अच्छे से छोटे से पॉलीथीन में बांधकर बच्चे के गले में डाल सकते हैं। तो एक छोटी सी डिब्बी ताबीज़ फॉर्म में भी डाल सकते हैं, इससे नज़र नहीं लगेगी।